Hey guys, welcome back. The Daisy Beach में आप सभी का फिर से वेलकम। दोस्तों आज हमें बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट काम करना है भाई, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट क्या है भाई, हमें यहाँ पे हमारे जो ऊपर हमने गप्पी फिश के पॉन्ड में हमने जो बड़ी बड़ी गोल्ड फिश डाली थी, ठीक है, उनको थोड़ा बहुत कुछ फंगस जैसा हुआ था, तो मैंने ऊपर ग्रीन वाटर में उनको शिफ्ट कर दिया था, ठीक है। उस वजह से अभी वो सब क्लियर वगैरह हो गए हैं, मतलब अभी हमारे जो गोल्ड फिश है अभी एकदम टकाटक एकदम ठीक है। तो भाई मैं आपको बोला था कि भाई हमारे गोल्ड फिश का टैंक का सेटअप यहाँ पे आने वाला है, ठीक है। तो भाई अभी हम हमारे जो गोल्ड फिश है नीचे लेके आएंगे और उनका यहाँ पे हम पूरा टैंक का सेटअप बना देंगे रेडी वाला। और हमारे जो गप्पी फिश का वाटर है वो भी हमें चेंज करना है, वाटर पूरा ग्रीन हो चुका है और थोड़ा अमोनिया का लेवल भी उनमें बढ़ जाएगा और फिर हमारे ऑस्कर फिश के जैसा भी हो सकता है, ठीक है यार। ये पानी इतना शुद्ध था तो आपको पता है यार, तभी भी हमारा ऑस्कर फिश की मतलब डेथ हो गई यार। तो इसकी वजह से हमें फटाफट से हमारे सारे टैंक, मतलब हमें जितना मेंटेनेंस है भाई सब क्लियर करना है, मतलब जितने भी टैंक है भाई सब हमें सजाने हैं और न्यू फिश हमें ऐड करने हैं। तो चलो अभी लगते हैं भाई काम पे। फोन की थोड़ी क्लास वगैरह थी तो डोरेमोन नहीं है, तो भाई आज है भाई हमारे नील भाई। नील अभी तू क्या करे ना, अपने ना वो जो बाहर जो स्टोन्स है ना, जो ग्रेवल्स है ना, आप सब इधर लेके आएंगे और यहाँ पे ना ग्रेवल्स वाला हम टैंक बना देंगे, ठीक है। तो भाई क्या करने वाले हैं, सिंपल सा सेटअप बनाएंगे भाई, क्योंकि गोल्ड फिश बहुत ही ज्यादा गंदगी करती है। तो भाई मैं चाहता था ना भाई यहाँ पे कोई सेटअप ही ना करे यार, ऐसे ही रहने दे, बट थोड़ा बहुत तो चाहिए ना यार इनको भी, मतलब यहाँ पे मैंने थोड़ा गप्पी क्या वो अच्छा इसमें है क्या स्टोन्स वो, हाँ यार ये डाल देंगे ना वहाँ पे, ठीक है ये भी अच्छे हैं ना। ये देखो भाई ये हम हमारे जो गोल्ड फिश है ना उसके अंदर ये मतलब अच्छे है यार, ठीक है। इसे अब धो लेंगे नील पूरा, क्योंकि ना सब धूल मिट्टी के, देखिए यार ना, तो इसे हम धो लेते हैं दोस्तों और यहाँ पे हम डाल देते हैं, ठीक है भाई। थोड़ी बहुत ज़्यादा गंदगी होने लगी तो हम ये स्टोन में निकाल लेंगे, क्योंकि आपको पता है गोल्ड फिश बहुत ज़्यादा गंदगी करती है यार, इसलिए मुझे पसंद नहीं हो फिश, बट हाँ ठीक है। अभी नली लगा दी, यहीं पे धो लेंगे और यहीं से निकाल लेंगे इसे, वही गर्म है यार ये। यार आज भी ना बारिश का मौसम है हमारे यहाँ पे, पूरे बादल बादल छाए हुए हैं, पूरा अच्छा धो ले। ओए पानी कहाँ से आ रहा है, फटी है। चलो इसे धोते भाई, फिर आपको मैं मिलता हूँ। अरे धूप की वजह से इतने ज़्यादा गर्म हो गए ना, पानी भी गर्म हो गया ना भाई, अरे गरम गरम लग रहा है यार, क्योंकि यहाँ से सीधी धूप है ना भाई, यहाँ पे हमने पत्थर रखे थे तो भाई इनके ऊपर आ रही थी और क्या गरम गरम हो गया। चले भाई धो गए, देख कितनी मिट्टी लगी, देख भाई पूरा काला पानी हो गया यार ये तो। चल इसे अच्छे से धो लेंगे, चल ठीक है। और मैं अभी क्या करता हूँ ना नील, यहाँ का टैंक है ना थोड़ा क्लीन कर देता हूँ। ये जो टैंक है ना यार ये थोड़ा मैं अच्छा मतलब चमक जाए यार, अच्छा दिखे यार हमें। अबे यार ये निकल जाता है यार बार बार, मुझे यही इसका अच्छा नहीं लगता, बाकी काम बहुत अच्छा करता है बट निकल जा रहा है ना ये। तो हमारा अभी जो टैंक है भाई पूरा मैंने क्लीन कर दिया है। अभी यहाँ पे क्या करना है, अभी सिंपल सा हमें जो ग्रेवल्स वगैरह ना भाई हम ये सब यहाँ पे ऐड कर देंगे। ये पानी चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं यार, क्योंकि ना ये पानी पुराना भी है और अच्छा पानी है यार, मतलब अभी चेंज किया था यार, हफ्ते 15 दिन हो गए यार इन पानी को और अच्छा पानी है यार, देखो कोई दिक्कत नहीं, क्रिस्टल क्लियर पानी। तो अभी मैं क्या करता हूँ ना, सब स्टोन्स ना वहाँ पे लेके जाके अपन सेट कर देते हैं। नहीं टप कहाँ गया यार, टप 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 ये यार भाई टप इसमें निकाल लेते। सुनना सुनना एक मिनट, वो कुछ मत कर, मैं अभी ना इसमें निकाल लेता हूँ ये। हाँ ऐसे ना, हाँ फाइनली दोस्तों हमारे जितने भी स्टोन्स थे, जितने भी ग्रेवल्स थे, सॉरी स्टोन्स नहीं सब ग्रेवल्स थे, ये जो ग्रेवल्स हैं छोटे छोटे एक्वेरियम वाले मैंने यहाँ पे सब रच दिए, तो अच्छा दिख नहीं रहा यार इतना। बट यहाँ पे हम क्या करेंगे ना, थोड़ा लुक आने के लिए यहाँ पे थोड़े मनी प्लांट्स होते हैं ना भाई, जो लाइव मनी प्लांट्स जो ये देखो मैंने यहाँ पे डाला है, तो हम ये भी यहाँ पे ऐड कर देंगे, मतलब थोड़ा लुक आ जाएगा। और ऑरेंज कलर की गोल्ड फिश होती है और ब्लैक कलर की गोल्ड फिश इसमें बहुत ज़्यादा अच्छी दिखेगी यार, ऐसा मुझे लगता है यार, ठीक है मैंने इसे मेरे माइंड का ये लगाया है, तो ठीक है यार अच्छा लगा तो ठीक, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, हम कुछ ना कुछ इनको लिए और चेंजेस करते रहेंगे। और वहाँ पे मैंने स्पॉन्ज लगा दिया और यहाँ पे हमारी पहले से ही हमारी आपको पहले पता है अरे ब्लैक गोल्ड है हमारे पास,
शायद से ना इसे और कुछ नाम है यार, गोल्ड फिश, ये कौन सी तरह गोल्ड फिश होती है, कुछ ब्लैक कुछ बोलते हैं यार इसे। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना भाई इसे क्या, इसका असली नेम क्या है, तो हम वो भी नाम इसका ले लेंगे। तो चलो भाई अभी यहाँ पे एक ही काम बचता है, ऊपर वाली जो हमारी ऑरेंज वाली गोल्ड फिश है यहाँ पे फटाक से लेके आते, फिर मैं आपको मिलता हूँ। भाई मैं अभी ऊपर आ गया हूँ, क्या हुआ भाई, कुछ अलग न्यूज मिली क्या तुझे कोई? तो है ना दोस्तों, मैं यहाँ पे ना मॉर्निंग में आया था, ठीक है, और मॉर्निंग में आते ही मुझे एक बहुत ही यहाँ पे मतलब इतनी ज़्यादा खुशखबरी मिली ना, दुख भरी खबर भी मिली और खुशखबर ज़्यादा मिली, ठीक है। तो खुशखबर ये है भाई, ठीक है, यहाँ पे हमारी जो शॉर्ट टेल थी ना, हमने ब्रीडिंग को लगवाई थी, तो यहाँ पे उनके बेबी से देखो यार, मतलब यहाँ पे हमने शॉर्ट टेल के ब्रीडिंग पेयर जो छोड़े थे कितने यार, 6 से 7 यार, मत ना जाली मत डालना भाई, बेबी क्या ला इधर, कितने? अरे मॉर्निंग से कैच कर रहा है यार भाई, मैं ना मॉर्निंग में आया यार, यहाँ देखो कितने हो गए, कितने सारे शॉर्ट टेल के बेबीज है यहाँ पे, देखो यार यहाँ पे मॉली फिश के भी है और एक अलग ही बेबी आया यार, आपको मैं जूम करके दिखाता हूँ यार, ये देख सकते हो अलग ही यार, इसको इसके मतलब ट्रांसपेरेंट है यार ये पूरा फिश, देखो ये पूरा ट्रांसपेरेंट बेबी आया है भाई, किस किस फिश का है मुझे सच में पता नहीं यार, ये देखो भाई ये पूरा ट्रांसपेरेंट रेडिश रेडिश हो गया यार, सुबह था ना ये पूरा ट्रांसपेरेंट था यार, एक ही मिला यार मुझे पूरे पौंड में, कौन से फिश का यार मुझे सच में नहीं पता यार, ये देखो यार ये हमारे सब शॉर्ट टेल और यहाँ पे ना मिक्स मॉली ने भी दिए, मतलब जो मार्बल मॉली होती ना उसके बेबीज यार, ये देखो यार कितनी क्यूट है यार, ये मार्बल मॉली हमारे जो मिक्स मॉली होती है ना उसके बेबीज, देखो ये आगे जाकर और क्यूट हो जाएंगे ये, और बाकी सब शॉर्ट टेल के, ये रेड वाले जो है ना शॉर्ट टेल के, क्योंकि बहुत सारे भाइयों को पता नहीं होता भाई शॉर्ट टेल फिश कौन सी होती है, तो ये देखो भाई ये भाई शॉर्ट टेल का बेबी बहुत ज़्यादा क्यूट है यार, ये भी पहले ना वो काम कर लेते, क्योंकि ना अभी क्या है ना दोस्तों, अभी है भाई थोड़ी धूप कम, इसलिए मैं क्या करना चाहता हूँ ना, हमारा गप्पी जो गप्पी का जो पॉन्ड है उसका भी वाटर हम चेंज कर लेते हैं जल्दी से जल्दी यार, हमें धूप से भी बच जाएंगे। ओह शिट यार, यार ये बलून वाली मरी हुई ना यार, शिट एक दो शिट 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 गप्पी भी मरी हुई यार, यार ये पानी जल्दी चेंज करना यार हमें यार, अबे यार दिखा दिखा मेरे पास, इनको निकाल लेते यार पहले, शिट यार भाई इसका पानी ना लगे चेंज कर देंगे, गप्पी भी है यार, ये देखो यार बड़ी फीमेल है यार गप्पी फिश की, इधर ना रख दे उनको, और है ना सुबह क्या हुआ आपको वो भी दिखा दो यार, दुख भरी खबर मिली थी यार मुझे हमारे पॉन्ड से, तो यार मैंने इसका रीजन पूछा क्या है भाई, देखो 1 2 3 4 5 5 मॉली फिश हमारी यहाँ से डेथ हुई थी, 5 मॉली नहीं मतलब 3 शॉर्ट टेल थी और 2 मॉली फिश थी, इसका जो रीजन देखा ना भाई, ये जो प्लांट है ना मतलब ये वाटर लिली का जो प्लांट है ना भाई, ये प्लांट की वजह से मतलब जो पानी की ऑक्सीजन होती ना वो कम हो जाती है, ऐसे मुझे एक भाई बोला, तो उसके मतलब प्लांट्स वगैरह में ज़्यादा नॉलेज है, तो भाई वो बोला कि यहाँ पे थोड़ा बहुत ऐसा आप है ना ऑक्सीजन पंप वगैरह लगा दो, ऐड कर दो, मतलब आपकी जो फिश है ना भाई सुरक्षित रहेंगी, हमें वही करना होगा, अगर ऑक्सीजन पंप हमें लगवाना है पहले तो हमें ना यहाँ का पानी जो है ना चेंज कर देते, क्या ये देखो भाई हमारी पहली गोल्ड यार, तूने तो पहले ही पकड़ लिया यार, यहाँ पे हमने ना 6 से 7 गोल्ड फिश छोड़ दी यार, मुझे काउंट कितना था यार मुझे नहीं पता, गप्पी देख कितनी लोडेड हो गई है, आज इनका पानी चेंज ही करना है, ठीक है ना, ओए पकड़ 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 उसको, धीरे से निकाल, हल्के से निकाल, मेरे बहुत ज़्यादा दोस्त है यार, दोस्त गोल्ड फिश है मेरी, चले ओए भाग गई यार, यहाँ पे हाँ अच्छा बलून मॉली है, ओके हाँ, अरे वाइट वाइट प्लांट्स है ना, ब्रीडिंग नहीं डाली है, ते सूख ले प्लांट्स टाकले होते, अरे आली 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 वो थोड़ी चाड़े, तो ये भाई कितनी बड़ी बड़ी हो गई यार, ग्रीन वाटर में है कितनी ज़्यादा एक्टिव हो गई, ये देख कितनी बड़ी हो गई, डाल इधर कलर तो देख इसका, और यहाँ पे मिल जाओ यार जल्दी, ओए इसको पकड़, एक सबसे बड़ी गोल्ड भी यहाँ पे, तुझे ऐसा नहीं लगता कि नीले ज़्यादा बड़ी हो गई ऐसे इधर आके, कलर भी अच्छा हो गया इनका, डाल दिया यहाँ पे, कितनी हुई कितनी हुई, चार ना, रुक मैं और पकड़ता हूँ यहाँ से, यहाँ पे हमें बहुत सारा खजाना मिलने वाला है दोस्तों, मतलब अलग अलग कौन सी फिश है भाई यहाँ पे सब मिक्स हो गई है हमारी, देखेंगे भाई अभी, ये फिल्टर निकाल ले बाहर एक मिनट, अपन बाद में डाल देंगे इसको, मुझे लगता है ना और एक स्पॉन्ज फिल्टर है यहाँ पे, वो बाकी गोल्ड कहाँ गई यार, इधर अंदर, ओए आ गई
सही निकला भाई तेरा निशाना। पानी की थोड़ी स्मेल भी आ रही है ना, ऐसा लग रहा है तुझे पानी की स्मेल आ रही है। कितने हुए अभी? पाँच हो गए, अभी सिर्फ एक बाकी है, उसे भी पकड़ लेते हैं, फिर हम इनको छोड़ देते हैं बड़े टैंक में। वो ये भी स्पॉन्ज फिल्टर निकाल लें, इनको दिक्कत दे रहा है ये। यहाँ पे सब गप्पी फिश है यार ज़्यादातर, तो गप्पी फिश का पॉन्ड है तो गप्पी फिश रहेगी ना। ओए आ गई बड़ी वाली, आ गई भाई, एक मिनट मुझे पकड़ने दे, ये तो पकड़ लास्ट वाली। नहीं ओए साइज देखना यार इसकी, भाई साहब इसकी साइज तो देखो यार, इतनी बड़ी हो गई यार। ये क्या है, कीड़ा वीड़ा नहीं ना भाई? नहीं तो पहले वाली हमारे गोल्ड फिश को ना कीड़े लग गए थे यार, अलग ही किस्म के कीड़े थे। तो चल भाई चल जल्दी जल्दी नीचे चलते, इनके लिए थोड़ा छोटा स्पेस है ये। तो ये है दोस्तों हमारी प्यारी सी गोल्डफिश। तो भाई इसे जल्दी जल्दी छोड़ देते ना, नहीं यार पानी थोड़ा ब्लर हो गया यार, हो जाएगा बाद में, ठीक है ना। ये सबसे बड़ी वाली डालेंगे। नील मुझे क्या लगता है, पहले ना अपने ना वाटर सूट कर लेते यार, ठीक है ना, पहले ना वाटर सूट कर लेते हैं, एक कैरी बैग से ना वाटर सूट कर देंगे, ठीक है। तो दोस्तों मैं आपको मिलता हूँ 10 मिनट में, ठीक है। तो मैंने क्या किया, ये जुगाड़ करके ये छोटा सा टप में लेके आया, टप नहीं सॉरी डिब्बा है शायद से ना, ना नील डिब्बा नहीं, हाँ। तो अभी मैं क्या करता हूँ ना दोस्तों, हमारी प्यारी सी गोल्ड फिश हमारी प्यारी से फिश टैंक में मैं छोड़ने वाला हूँ, क्योंकि इसे 10 से 15 मिनट हो गए, अभी इनको ऑक्सीजन में भी दिक्कत आने लगी। होय 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 हमारी सबसे पहली गोल्ड गई भाई, यहाँ पे तो एंट्री मारी भाई साहब। होई 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 तुझे ऐसा नहीं लग रहा, नीले खुश है बहुत सारी, बहुत ज़्यादा खुश लग रही है, बहुत ज़्यादा गंदगी करती है यार। देख ये 10 मिनट हुए यार, 10 मिनट में इतना गंदा पानी कर दिया था इन्होंने। होए होए 1 2 3 ये 4 वो 5 6 और 7 8, ठीक है। मतलब हमारे पास अभी 2 ब्लैक गोल्ड फिश हो गई और 6 वाली हमारी सब ऑरेंज गोल्ड फिश है। मतलब अभी ये रहेगा हमारा द डेजी फिश का गोल्ड फिश का टैंक। भाई ऑक्सीजन चालू कर दिया यार, इसे नीचे ही है ना ये स्पॉन्ज। ओके अभी दोस्तों ये यहाँ पे पूरा पानी क्लीन कर देगा भाई थोड़ी देर में करेंगे ना यार, कल या शायद आज ही मैं इनके लिए मनी प्लांट्स वगैरह लेके आऊँगा, जहाँ से मुझे मिलता है मैं वहाँ से लेके आऊँगा। वही वो नीचे रहने दे, ऊपर मत रख क्योंकि ना बाकी ऑक्सीजन को दिक्कत आ जाएंगी फिर, ठीक है। अभी ना दोस्तों अभी क्या करते हैं ना, ऊपर का जो गप्पी पीस का जो वाटर है हम वो चेंज कर देते हैं, ठीक है। कि बहुत सारे भाइयों को मुझे बहुत सारे भाइयों के कमेंट्स थे यार, आप है ना भाई आपकी गप्पी पीस का जो वाटर है वो चेंज करो जल्दी से जल्दी। चलना चलते हैं ऊपर जल्दी, क्या है। हाँ अच्छा स्नेल भी डाल दे यार वहाँ पे, स्नेल है ना अच्छा काम करती, रुक स्नेल डाल दे वहाँ पे, हमारे प्यारे से स्नेल के बेबीज में डाल देता हूँ वहाँ पे, क्योंकि गोल्ड फिश ना बहुत ज़्यादा फ्रेंडली फिश होती है दोस्तों, और वो स्नेल को कुछ नहीं कहेगी भाई। इसमें ना हमारे जो कैटफिश थी ना बहुत ज़्यादा खतरनाक थी, वो स्नेल को भी निकल जाती थी भाई, इतनी खतरनाक थी वो। चल अभी ऊपर जाते हैं और ऊपर का काम करते हैं। लाइट ऑफ कर यार, सब लाइट ऑफ कर दे। तो दोस्तों अभी चलते हैं, हमारे गप्पी फिश का जो वाटर है भाई वो चेंज करना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होती है यार। एक्साइटमेंट क्या होती है भाई, अलग अलग हमारे यहाँ पे ना फिश देखने को यहाँ पे मिलते हैं हमें, मतलब ग्रोथ मिलती है यार, बहुत सुकून लगता है दिल को। तो यार पहले ना एलिगेटर गार को देख लेता हूँ मैं, हमारा एलू क्या कर रहा है। होए होए बैठा है, क्या कर रहा है भाई, इसका पानी देखो यार कितना क्लीन है भाई। मेरी एलू कॉपर, इसका थोड़ा भी पानी भर देंगे हम। और इसका मैंने इतना पानी क्यों अच्छा रखा भाई, क्योंकि आपको पता था यहाँ पे हमारा ऊपर से इसको ढका हुआ है, क्योंकि ये जो धूप थी ना भाई इसके ऊपर नहीं आ रही थी, तो इसका वाटर ग्रीन नहीं हुआ भाई, और इनका सब वाटर ग्रीन हो गया। तो अभी इनको हमने ढका ही नहीं था, इसकी वजह से इनका सब वाटर ग्रीन हो गया, ये तो इनका भी नहीं होता यार। तो अभी मैंने इनको भी ढक के रखेंगे इसका वाटर चेंज करने के बाद। चल नील अभी इनको निकाल लेते पहले। तो आज की वीडियो में हमने क्या किया, आज की वीडियो में हमने किया भाई हमारे गोल्ड फिश का सेटअप, मतलब 50% हमने उनका सेटअप कर लिया है, 50% बाकी, 50% क्या बाकी भाई, थोड़े नेचुरल प्लांट्स वगैरह हमें डालने हैं वहाँ पे, तो वो भी हम कर लेंगे। तो ठीक है आज का वीडियो मैं यहीं पे एंड करता हूँ, क्योंकि ना आज का वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। अभी हमें करना है हमारे ये वाटर चेंज गप्पी फिश का, तो इसका अपडेट आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। तो मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में, तो चलते हैं भाई।